हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता अपने अपनी पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली पहले कुरुक्षेत्र में की, अब दूसरी रैली को संबोधित करने आज 11:30 बजे के करीब गोहाना पहुँचेंगे। गोहाना में रैली स्थल पर 10 DCP, 30 SCP और 100 पुलिस इंस्पेक्टर और 1500 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। 22 उम्मीदवारों के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में हुंकार भरेंगे। करनाल से 4 विधानसभा, सोनीपत लोकसभा की 9 विधानसभा, रोहतक 9 विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए आज गोहाना रैली से हुंकार भरेंगे। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूटी और 2100 रुपये प्रति महीने महिलाओं को दिए जाएंगे। आप देखना होगा, प्रधानमंत्री इस रैली को संबोधित करने पहुंचेंगे। उस रैली स्थल पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। 9 सेक्टर में रैली को डिवाइड किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग सेक्टर बनाया गया है तो पुरुषों के लिए अलग सेक्टर बनाया गया है। आप 11:30 बजे रैली को संबोधित करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। देखना होगा इन 22 प्रत्याशियों के लिए जो हुंकार भरेंगे उसमें कितना दम जनता में भर पाएंगे। जिस तरह से 5 अक्टूबर को मतदान होना है उसको लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं और सभी पार्टियां के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब हरियाणा की जनता किसके सिर ताज गढ़ती है, किसकी सरकार प्रदेश में बनाती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।